भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार दिनांक 17 जून 2019 को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी मिश्र पूर्व सांसद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी व सदस्य कार्य समिति देश के विभिन्न व्यापारी एसोसिएशनों के अध्यक्ष एवं महामंत्री इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में व्यापार को लेकर सभी ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए कि व्यापारी जो समस्याएं हैं विशेष रूप से आप भी कर लीजिए, विशेष रूप से GST की, खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की, मंडी कमेटी की, व्यापारी सुरक्षा की, FDI की, इन समस्याओं पर हम मंत्रियों से जा कर के मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे, उनसे उन समस्याओं के समाधान के लिए अनुरोध करेंगे। अब अगर जब देखेंगे कि हमारे अनुरोधों पर विचार नहीं हो रहा है तो हम अगली मीटिंग पर फिर विचार करेंगे। इस देश में विदेशी माल नहीं देसी माल बिकना चाहिए। हमारे व्यापारियों के दुकानों के ऊपर अगर हम विदेशी माल बेचेंगे तो यहाँ के उद्योग कैसे चलेंगे, और उद्योग नहीं चलेंगे तो हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास कैसे जीतेंगे। हमें ये जीतना है और इसलिए FDI की जरूरत नहीं है। एक तो अपना ईवे बिल को लेकर है क्या, ये बिल का कोई ज़रूरत है क्या? दूसरा जो ऑडिट होती है, अभी जब सब चीज़ तुम्हारे हाथ में है, परचेज बिल भी तुम्हारे पास डिटेल ले रहे हो, सेल बिल भी डिटेल ले रहे हो और सारी डिटेल ले रहे हो, फिर ये आपको ऑडिट की दरकार क्या पड़ रही है? तीसरा फिर ये है कि एक हमारा यहाँ जो रास्ते में गाड़ियों को रोकते हैं और छोटी छोटी बातों पे पेनल्टी भी लगाते हैं और परेशान भी करते हैं, तो वो चीज़ का चर्चा हुई कि स्थिति को भी सरकार के सामने उठाएंगे। और तीसरा एक यहाँ पे दिल्ली में हम लोग का ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी है हमारी, सभी प्रदेशों के लोग आते हैं और श्याम भैरी मिश्रा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनका लोगों से प्रेम और प्रभाव अच्छा है, तो एक सोच रहे कि यहाँ पे एक अपना निजी भवन या ऑफिस हो जाए, तो उस पर भी चर्चा हुई थी। तो इस तरह का विचार यहाँ पे आया। तो बाकी और विषय पे भी विचार सब लोगों के, व्यापारियों को ली गए, किस किस को कहाँ का क्या परेशानी है। मंडी समिति पे जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है और टैक्स के ऊपर में फिर वो ऊपर से सरचार्ज या सेस लगा रही है, जब एक बार टैक्स लग गया तो उस पर सरचार्ज या सेस क्यों होना चाहिए, उसके लिए भी चर्चा हुई। तो व्यापारी आप समझ लिए कि पंजाब से हैं, हरियाणा से हैं, UP से हैं, राजस्थान से हैं, केरल से हैं और आपका तमिलनाडु से हैं, मैं उड़ीसा से हूँ, आपका उत्तराखंड से हैं और प्रायः काफ़ी स्टेटों के व्यापारी आए हुए हैं। GST को कैसे मानते हैं? GST एक अच्छा है किसी सरकार को चलाने के लिए, उसको अगर देश का विकास चाहता है, राष्ट्रवादी सरकार है, तो उसको एक फंड की ज़रूरत होती है, वो फंड टैक्स के द्वारा ही आता है। उसका GST को मैं अच्छा मानता हूँ, मेरे अपने पर्सनल व्यू हैं, लेकिन उसका तरीका ठीक होना चाहिए, उसके अंदर में जो खामियाँ हैं, व्यापारी को परेशानी ना हो और आपका कलेक्शन भी हो जाए, इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो ऐसा है ना, इनके तो टोटली एक सिस्टम ही आज़ादी के बाद से यथा राजा तथा प्रजा, राजा अगर ईमानदार नहीं है तो ये सब व्यवस्थाएँ हो गई, राजा ईमानदार है तो व्यवस्था नहीं होती है। एक सिस्टम, इतनी बड़ी देश की आबादी है, इस बड़ी आबादी के अंदर में लोगों के पास में आप उनको रोज़गार नहीं दे रहे, आपको नौकरी नहीं दे रहे, स्वरोजगार कर रहे हैं, अपनी कहीं भी कोई दुकान खोल के बैठ गया और वो आपके ऊपर बोझ नहीं है, बर्डन नहीं है और दो चार आदमियों को काम दे रहा है। तमाम आप देखिए बिहार से और UP से लाखों आदमी यहाँ के काम में लग गए, फिर उनको आप परेशान करते हैं, आप सीलिंग लगाते हैं, तो मेरे हिसाब से अच्छी चीज़ नहीं है। ऑनलाइन को कैसे समझते हैं? ऑनलाइन जब प्रोडक्ट खरीद लेते हैं उसमें कोई अच्छा प्रोडक्ट होता है या बेकार होता है या होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नई जनरेशन थोड़ा सा, पुराने वाले लोग तो नहीं है, नई जनरेशन ऑनलाइन में काफ़ी वो लग गई है, उनको क्या है कि ऑनलाइन में उन्होंने एक चीज़ और दे दी कि आपके पास सामान आएगा, सामान आप खोल के देखिए, आपको पसंद आया तो उस सामान को आप अपने पास रखिए, नहीं पसंद आया तो उसको वापस कर दीजिए। तो ये इन्होंने जो
व्यवस्था दे दी है, तो इससे इन्होंने मार्केट अपना बहुत बढ़ा लिया है। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई बी इंडियन भाई इंडियन, आप भारतीय हैं तो भारत की चीज़ों पर ध्यान दीजिए, बाकी किसी को ग्लोबलाइजेशन है, आज हम उम्मीद करते हैं किसी देश का माल हमारे यहाँ बिके तो और देश भी चाहेंगे कि उनका सामान हमारा सामान वहाँ बिके। सब्सक्राइब करें।